नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज के वीडियो भी एक क्वेश्चन बेस्ड वीडियो है, जिसमें कई लोगों ने मुझे ये पूछा था कि ठाकुर जी को जब आई पेंटिंग करते हो तो उस टाइम पे उनको भोग लगाया जा सकता है या नहीं, उनका सेवा कैसे किया जा सकता है। तो ये सब बारे में कुछ क्वेश्चन आए। कोई कोई तो ये बोले कि आई पेंटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ऐसा है कि जब ठाकुर जी कई सालों से हमारे घर पे विराजमान रहते हैं, तो धीरे धीरे जो उनकी डेली सेवा होती है, उनको स्नान आदि करना, उनका साफ सफाई करना, पोशाक चेंज करना, इसमें क्या होता है, उनके कलर्स धीरे धीरे ख़राब होती है और बाहर से जो चिपका हुआ आँखें आती है, कभी कभी वो भी स्नान के दौरान निकल जाते हैं। हाँ, कभी तो इतने हल्के से चिपका हुआ रहता है कि एक आध साल के अंदर अंदर ही वो कॉर्नर से थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाता है ना, ऐसे धुलाते टाइम पे थोड़ा सा आप फेस को ऐसा अच्छे से साफ करने जाओगे ना, तभी भी निकल जाता है। तो ऐसे में ठाकुर जी बिना आंखों का बैठा रहेगा, ये देखना अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे ही पूजा करें। ये संपूर्ण अपने भाव की बात है। मुझे पर्सनली जब लगता है कि ठाकुर जी की ऐसी आँखें निकल गई है या कहीं से पेंटिंग निकल गया है, ऐसे खराब लग रहा है देखने में, तो मैं सबको यही कहती हूँ। इवन मैं खुद भी अपने ठाकुर जी का जब पेंटिंग वगैरह ख़राब हो जाता है तो मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ठाकुर जी आप वैकुंठ धाम पधारे, वहाँ जाके विश्राम करें, अपने धाम के में खुशी से रहे। और आपके जो ये विग्रह है, इनकी आंखें निकल गई है, कुछ ख़राब हो गया है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे विग्रह को फिर से ठीक करने के लिए। इसके बाद हम आपको बुलाते हैं तो आप हमारे घर में फिर से विराजमान हो। ये संपूर्ण अपने मन की भाव होती है, ठीक है। अब जब आप आंखों की पेंटिंग करोगे या कलरिंग करोगे या किसी को दोगे, इस दौरान पूजा नहीं होती है, क्योंकि उनमें आपने उनको ऑलरेडी हाथ जोड़ करके बोला है कि आप इस विग्रह से जा निकल के अपने वैकुंठ धाम में रहे, अपने गोलोक में रहे। तो इस समय इनकी पूजा अर्चना नहीं होती है। इनकी जब आंखें लगाई जाती है, जो पेंटिंग सूखती है, पहली बात तो इस समय आप कुछ करने जाओगे तो इनकी पेंटिंग वगैरह ख़राब हो जाएगी। तो इनको प्रॉपरली सूखने देना, इनको प्रॉपरली हवा लगना, टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। पूरे पेंटिंग होने के बाद, पूरे काम होने के बाद ठाकुर जी के इस विग्रह को बहुत ही अच्छे से पंचामृत स्नान करवाएं। फूल फल और धूप धुआ धुना नैवेद्य से जब पहली बार जैसे हम पूजा करते हैं, उस तरह से इनकी बढ़िया तरीके से पूजा करें। कुछ अच्छा सा कपड़ा पहनाए, बढ़िया सा श्रृंगार करें और फिर इनको हाथ जोड़ करके आने के लिए आह्वान करें कि ठाकुर जी आपके विग्रह, हमारी पूरी कोशिश थी कि आपके विग्रह पहले जैसे सुंदर बन जाए, आपका ही छवि हमें इसमें दिखाई दे। विग्रह का आंखें नहीं है, विग्रह का कलर नहीं है, तो क्या ठाकुर जी की छवि हमें उसमें दिखाई देती है? तो ऐसे ही जब आपके विग्रह सही हो जाएगा तब आप ठाकुर जी को आह्वान करें, पंचामृत स्नान करके बढ़िया तरीके से फूल फल से सेवा करके नैवेद्य बना के, चाहे तो आप बहुत सारा भोग बना सकते हैं उस दिन, और ठाकुर जी को फिर से आह्वान करें और इस तरह से उनका दोबारा स्थापना करें। दोबारा मंदिर में स्थापना होने के बाद उनकी जैसे डेली नियम था सुबह से लेकर रात तक, वो डेली नियम आप फॉलो कर सकते हैं। आँखें बनाने के लिए या आँखें पेंटिंग के लिए अगर आप बाहर भेज रहे हो तो फिर थोड़े दिन इसमें समय लग जाता है, पर अगर आप घर पे ही कर रहे हो तो एक ही दिन के अंदर अंदर ये काम हो सकता है और नेक्स्ट डे से फिर से ठाकुर जी का आप नॉर्मल जो पूजा डेली नियम होता है वो कर सकते हैं। तो पेंटिंग के दौरान हमें आपको ना भोग चढ़ाना है और ना ही उनको कोई किसी तरह का सेवा देनी है। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गया होगा। और जिन लोगों को भी लगता है कि पेंटिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहिए, मैं उनकी भावनाओं को भी श्रद्धा करती हूँ। लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती है, अपने अपने सोच और विचार होते हैं। सबकी भावना ना किसी से कम है, ना किसी की भावना किसी से ज़्यादा है। कोई ठाकुर जी को ठाकुर जी के असली स्वरूप में, अच्छे स्वरूप में ही देखना चाहते हैं, और कोई कोई सोचते हैं कि उनको तकलीफ होगा तो वो जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। इसमें हम तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहते हैं। तो जो क्वेश्चन था कि वो आशा करती हूँ वो जवाब आप सभी को मिल गया है कि प्राण प्रतिष्ठा अलग से नहीं होता है, पर उनका पंचामृत स्नान करके उनकी स्थापना जरूर होती है आई पेंटिंग के बाद।
तो एक नया वीडियो में फिर से आप सभी लोगों के साथ मिलेंगे, कोई ना कोई एक क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे, और फिर मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।